हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स के एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन? टोटल सॉलिड 20 ppm पायरोजन फ्री, टोटल सॉलिड 10 ppm पायरोजन फ्री, टोटल सॉलिड 10 ppm पायरोजन फ्री, टोटल सॉलिड 10 ppm स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री, टोटल सॉलिड 20 ppm एंड स्टेराइल। विच इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन? तो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है टोटल सॉलिड 10 पार्ट्स पर मिलियन एंड पायरोजन फ्री। ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। टोटल सॉलिड 10 ppm एंड पायरोजन फ्री होता है वाटर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर फिनिटॉय इंजेक्शन। 40% प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल प्लस 10% इथेनॉल, 40% प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल प्लस 10% वाटर, 10% इथेनॉल प्लस वाटर, सीसम ऑयल। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर फिनिटॉइन इंजेक्शन। कौन से सॉल्वेंट का यूज करते हैं फॉर फिनिटॉइन इंजेक्शन? तो इसमें यूज करते हैं 40% प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड 10% इथेनॉल का, ऑप्शन ए। केमिकली क्या होता है फिनिटॉइन? तो केमिकली फिनिटॉइन इज 5-5-डाइफिनाइल हेडेंटॉइन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड मल इपिलेप्सी। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जिंजिवल हाइपरप्लासिया। देन ये कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। देन चिल्ड्रन में रिकेट कॉज कराता है फिनिटॉइन। ये विटामिन डी के एक्शन के साथ इंटरफेयर करता है चिल्ड्रन में एंड कॉजिंग रिकेट्स। एंड ये फिनिटॉइन होता है एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज इज नॉन एक्वस वेहिकल? एरएचई सॉइल, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा है नॉन एक्वस वेहिकल? तो ये होता है एरएचई सॉइल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयली इंजेक्शन इज गिवन बाय? इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट, नन ऑफ दीज। कैसे दिया जाता है ऑयली इंजेक्शन? तो ऑयली इंजेक्शन दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलरली, ऑप्शन बी। अभी आप मुझे बताएंगे जेड ट्रैक इंजेक्शंस आर मेड बाय? तो जेड ट्रैक इंजेक्शंस आर मेड बाय इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रावेनस रूट से दिए जाते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। एंड आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%। बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम बाय आईवी रूट। सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं इंसुलिन। देन क्या आप में से कोई बता सकता है हाइपरडर्मोक्लाइसिस रेफर्स टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाता है हाइपरडर्मोक्लाइसिस? तो ये होता है सबक्यूटेनियस रूट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डोज ऑफ द इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज 0.1 to 0.2 ml, 2 to 4 ml, 1 to 2 ml, 5 to 10 ml। डोज ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो ये हो जाएगा 0.1 to 0.2 ml, ऑप्शन ए। देन विच वैक्सीन इज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट? कौन सी वैक्सीन को दिया जाता है बाय इंट्राडर्मल रूट? तो ये होती है BCG वैक्सीन, बैसिलिक एलमेट ग्वेरिन। एंड इसे देते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। इसे देते हैं इंट्राडर्मली। देन अभी आप मुझे बताएंगे द डोज ऑफ द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो डोज ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है 1 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम विच कैन बी इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली इज यूजुअली 1 ml, 0.5 ml, 2 ml, 1.5 ml। द वॉल्यूम विच कैन बी इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली इज यूजुअली, तो अभी हमने देखा था ये होता है 1 ml, ऑप्शन ए। देन मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट कितना होता है? तो ये होता है 2 ml। The volume which can be injected subcutaneously is usually 1 ml and maximum volume given by subcutaneous route होता है 2 ml. ठीक है, next question. Mention the USP standards for total solid content in water for injection. Not less than 10 ppm, not more than 5 ppm, not more than 10 ppm, not more than 20 ppm. USP standards for total solid content in water for injection. तो ये होता है नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेबिलाइजर यूज्ड इन विटामिन के इंजेक्शन। लेसिथिन, पॉलीसॉर्बेट, क्रिएटिन, ग्लाइसिन।
स्टेबिलाइजर यूज्ड इन विटामिन के इंजेक्शन। तो ये होता है लेसिथिन, ऑप्शन ए। ये लेसिथिन होता है ज्विटर आयोनिक सर्फैक्टेंट, फॉस्फोलिपिड एक्टिंग एज ए सर्फैक्टेंट होता है लेसिथिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज लेसिथिन, प्रोटीन के कौन से टाइप में आता है लेसिथिन। तो ये होता है लिपोप्रोटीन। ग्लाइसिन क्या होता है? जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल टेस्ट इज एन इनविट्रो टेस्ट एंड इट इज यूज्ड इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट एंटीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटी माइक्रोबियल्स, पायरोजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है लाल टेस्ट, लिम्बलस अमोबिसाइट लाइसेट, एंड ये होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस, ऑप्शन डी। लिम्बलस अमोबिसाइट लाइसेट टेस्ट इज एन इनविट्रो टेस्ट एंड इट इज यूज्ड इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट पायरोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, लिपोपॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, नन ऑफ दी अबव। पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, तो ये होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड, ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। एंड लिम्बलस अमोबिसाइट लाइसेट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोजेंस आर नॉट फिल्टरेबल, लिपोपॉलीसैकेराइड, थर्मोस्टेबल, वोलेटाइल। तो पायरोजेंस आर नॉट वोलेटाइल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट, 2 ml, 10 ml, 30 ml, 15 ml। मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये होता है 2 ml, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर गिवन बाय इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राथिकल रूट, इंट्रासिस्टर्नल। कैसे दिए जाते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स? तो ये होता है इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन ए। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट। इंट्रामस्कुलर रूट ऑयली प्रिपरेशंस के लिए होता है इंट्रामस्कुलर रूट। व्हाट इज इंट्राथिकल रूट? तो इंजेक्शंस इनटू सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है इंट्राथिकल रूट। कौन से ड्रग दिए जाते हैं बाय इंट्राथिकल रूट? तो मिथोट्रेक्सेट, साइटराबीन, देन थियोटेपा। केमोथेरेपी में जो ड्रग यूज करते हैं मिथोट्रेक्सेट, साइटराबीन, थियोटेपा, इनको दिया जाता है इंट्राथिकली इनटू सब एरेक्नॉइड स्पेस। व्हाट इज इंट्रासिस्टर्नल रूट? तो इंजेक्शन एट द बेस ऑफ स्कल होता है इंट्रासिस्टर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन इंजेक्शंस एंड आई प्रिपरेशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। कौन से कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का एज ए प्रिजर्वेटिव इन इंजेक्शंस एंड आई प्रिपरेशंस? तो ये होता है 0.001 टू 0.002%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन इज गिवन इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, डेल्टॉइड मसल, सब एरेक्नॉइड स्पेस, नन ऑफ दी अबव। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन, तो हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस देते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, ऑप्शन ए। सब एरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं इंट्राथिकल इंजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग ऑफ एम्पूल्स इज डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, लीक टेस्ट, सीलिंग टेस्ट, लाल टेस्ट, नन ऑफ दी अबव। कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सीलिंग ऑफ एम्पूल्स? तो ये होता है लीक टेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम कंटेंट ऑफ रिंगर लैक्टेट 130 mmol/L, 109 mmol/L, 4 mmol/L, 50 mmol/L। पोटेशियम कंटेंट ऑफ रिंगर लैक्टेट, कितना पोटेशियम होता है रिंगर लैक्टेट में? तो रिंगर लैक्टेट में होता है 4 mmol/L पोटेशियम, ऑप्शन सी। देन अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन एडल्ट ब्लड। तो एडल्ट ब्लड में नॉर्मल पोटेशियम लेवल होती है 3.5 to 5 mEq/L। ठीक है, 3.5 to 5 mEq/L। एंड ये पोटेशियम होता है मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। देन नॉर्मल सोडियम लेवल कितनी होती है बॉडी में? तो ये होती है 135 to 145 mEq/L। एंड सोडियम होता है मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर, स्टर्लिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, लीकेज टेस्ट, रैबिट टेस्ट। किस लिए यूज करते हैं लाल टेस्ट का?
तो ये होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजेन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज इज एडेड इन हाइड्रोक्स टू एनहेंस विस्कोसिटी, मेंटेन पीएच, प्रोवाइड आइसोटोनिसिटी, नन ऑफ द अबव। किस लिए ऐड करते हैं हाइड्रोक्स में हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज को? तो इसे ऐड किया जाता है टू एनहेंस विस्कोसिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन में बी एडजस्टेड बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड, डेक्स्ट्रोज, बोरिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन में बी एडजस्टेड बाय एडिंग, तो टोनिसिटी को एडजस्ट किया जाता है बाय एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, डेक्स्ट्रोज एंड बोरिक एसिड ऑल्सो, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग विस्कोसिटी बिल्डर्स हैव बीन यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस एक्सेप्ट मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, विगम। इनमें से किसे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में यूज नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा विगम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। विगम इज नॉट यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन विच एक्ट थ्रू चिलेटिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, प्रिवेंटिंग ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे ये एक्ट करता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन? तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोजेन इज ए इंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, सस्पेंशन ऑफ माइक्रोब्स, नन ऑफ द अबव। क्या होते हैं पायरोजेन? तो ये होते हैं इंडोटॉक्सिन, ऑप्शन ए। एंड लाल टेस्ट लिमलस अमोबिसाइट लाइसेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट पायरोजेंस। देन विच पार्ट ऑफ पायरोजेन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था विच पार्ट ऑफ पायरोजेन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, तो ये होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल्ड सरफेस एट द टिप ऑफ ए नीडल बेवेल, बेवेल हिल, हब, शाफ्ट। क्या बोलते हैं एन एंगल्ड सरफेस एट द टिप ऑफ ए नीडल? तो इसे बोलते हैं बेवेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोजेंस आर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन बाय स्टेबिलाइजेशन बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, थर्मोस्टेबिलिटी, थर्मोसेंसिटिविटी, बोथ ए एंड बी। पायरोजेंस आर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन बाय स्टेबिलाइजेशन बिकॉज ऑफ, किस लिए डिफिकल्ट होता है पायरोजेंस को रिमूव करना फ्रॉम सॉल्यूशन बाय स्टेबिलाइजेशन? बिकॉज ये पायरोजेंस होते हैं सोल्यूबल इन वाटर एंड थर्मोस्टेबल, इसलिए इन्हें डिफिकल्ट होता है टू रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन बाय स्टेबिलाइजेशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपाइल गैलेट इज ए डायग्नोस्टिक एजेंट, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक। क्या होता है प्रोपाइल गैलेट? तो प्रोपाइल गैलेट होता है एंटी ऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंसेस आर मेड ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल्स, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट, काइटिन, नन ऑफ द अबव। किससे बनते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस? तो ये होता है पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग, टाइप 1, 2, 3 और 4? कौन से टाइप ऑफ ग्लास का यूज करते हैं फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग? तो इसके लिए यूज करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, ये होती है टाइप 1 ग्लास, ऑप्शन ए। टाइप 2 ग्लास होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, ये टाइप 4 ग्लास होती है नॉन पेरेंटल ग्लास। देन अभी आप मुझे बताएंगे बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस के स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग के लिए कौन से टाइप के ग्लास का यूज करते हैं? तो ये भी होती है टाइप 1 ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। देन वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर, तो ये होती है टाइप 2 ग्लास, टाइप 2 ग्लास के लिए परफॉर्म करते हैं वाटर अटैक टेस्ट का। टाइप 3 ग्लास का यूज करते हैं ड्राई पाउडर एंड ऑयली सॉल्यूशंस के स्टोरेज के लिए। टाइप 4 ग्लास का यूज करते हैं टैबलेट्स एंड ओरल लिक्विड्स के डिस्पेंसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोजेन टेस्टिंग इज डन टू इवेल्युएट प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आइसोटोनिसिटी, प्रेजेंस ऑफ पायरोजेंस, नन ऑफ द अबव। किस लिए यूज करते हैं पायरोजेन टेस्टिंग का? तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, इसे यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पायरोजेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉर्मल सलाइन आईपी कंटेंस सोडियम क्लोराइड ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम, 9% वेट पर वॉल्यूम, 0.9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 0.9% वेट बाय वेट। तो नॉर्मल सलाइन आईपी में होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। एंड ये 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। देन जो रिंगर सॉल्यूशन होता है वो होता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल फॉर प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनॉल, नो प्रिजर्वेटिव। कौन से प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं इन होल ह्यूमन ब्लड? तो ये हो जाएगा नो प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन डी। व्हाट इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट? तो इसे यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। ये फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी होता है एंड एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, एंड इसे भी यूज करते हैं इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ये फिनॉल होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म टू कॉज इन्फेक्शन इन आई? बैसिलस सब्टिलिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, सुडोमोनास एरुजिनोसा, प्रोटियस वल्गैरिस। मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म टू कॉज इन्फेक्शन इन आई, तो ये हो जाएगा सुडोमोनास एरुजिनोसा, ऑप्शन सी। ये होता है मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म टू कॉज इन्फेक्शन इन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, लैक्रिमल सिक्रीशंस, नन ऑफ दी अबव। किसके साथ आइसोटोनिक होने चाहिए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस? तो ये होते हैं लैक्रिमल सिक्रीशंस, ऑप्शन सी। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सिक्रीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर यूज इन लीकेज टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल रेड, 0.5 to 1% मिथिलिन ब्लू, नन ऑफ दी अबव। इंडिकेटर यूज्ड इन लीकेज टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स, तो ये होता है 0.5 to 1% मिथिलिन ब्लू, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.5 to 1% मिथिलिन ब्लू का यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर इन लीकेज टेस्ट इन स्टराइल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड टू स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल्स, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स, ऑल पैरेंटरल्स, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। इनमें से किसमें ऐड नहीं किया जाता प्रिजर्वेटिव्स को? तो ये हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स, ऑप्शन बी। एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स आर जनरली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन इज बेंजालकोनियम क्लोराइड, थियोमर्सल, क्लोरोक्रेसोल, फिनॉल। कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं इन पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन? तो इसमें यूज करते हैं थियोमर्सल का, ऑप्शन बी। ये थियोमर्सल होता है मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव। थियोमर्सल, देन बेंजाइल अल्कोहल, ये होते हैं मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव्स। ये फिनॉल, क्लोरोक्रेसोल, देन बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, ये आते हैं एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में। न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है? तो ये होता है क्लोरोब्यूटेनॉल। एंड क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, बेंजालकोनियम क्लोराइड। ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू इम्प्रूव शेफ लाइफ ऑफ ड्रग। इन्हें यूज करते हैं टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स, तो ये होता है मिथाइल पैराबेन। देन आई ड्रॉप्स में कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं? तो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस इज 1 to 2 ml, 2 to 4 ml, 6 to 8 ml, 8 to 9 ml। डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, तो ये हो जाएगा 2 to 4 ml, ऑप्शन बी। एंड इंट्रामस्कुलरली देते हैं ऑयली प्रिपरेशंस को। देन डोज ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो ये हो जाएगा 0.1 to 0.2 ml। डोज ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, 1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a needle damages the rubber closure of a parental container, causing fragments to fall into the container, क्या बोलते हैं इसे? Coring, syringeability, final filter, bevel. When a needle damages the rubber closure of a parental container, causing fragments to fall into the container,
तो इसे बोलते हैं कोरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली प्रॉपर्टी विच इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग पायरोजेंस इज, वाटर सोलिबिलिटी, नॉन वोलेटिलिटी, थर्मोस्टेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। द ओनली प्रॉपर्टी विच इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग पायरोजेंस, तो ये होती है नॉन वोलेटिलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टेराइल प्रिपरेशन, नेजल ड्रॉप्स, इफरवेसेंट ग्रैनुल्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑटिक प्रिपरेशन। तो स्टेराइल प्रिपरेशन होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्शन सी। देन अभी आप मुझे बताएंगे सस्टेंड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन सा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सस्टेंड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो ये होते हैं ऑक्यूसर्ट्स। कौन से शेड्यूल में आते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो इनके लिए होता है शेड्यूल FF। देन विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग, तो ये होती है टाइप 1 ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। देन एफरवेसेंट ग्रैनुल्स क्या है, तो एफरवेसेंट ग्रैनुल्स कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। एंड मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स, हीट मेथड, वेट मेथड, फ्यूजन मेथड, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन नेजल ड्रॉप्स शुड बी आइसोटोनिक विथ, तो नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विथ 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। एंड एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज फॉर नेजल ड्रॉप्स, तो ये होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज एज कंटेनर्स इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, टेफ्लॉन, पॉलीप्रोपिलिन, पॉलीस्टीरिन, PET। कौन से टाइप के प्लास्टिक का यूज करते हैं इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, तो ये होता है टेफ्लॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर यूज फॉर मेकिंग पेरेंटल सॉल्यूशंस, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, अपायरोजेनिक डिस्टिल्ड वाटर, नन ऑफ द अबव। वाटर यूज फॉर मेकिंग पेरेंटल सॉल्यूशंस, तो इसके लिए यूज करते हैं अपायरोजेनिक डिस्टिल्ड वाटर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर, प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी, फ्रीजिंग टेम्परेचर, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, आइसोटोनिसिटी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर, तो इसे यूज करते फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई ड्रॉप्स आर टू बी नॉन इरिटेंट, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, स्टराइल, नॉन एक्वस, हाइपरटॉनिक। इफ आई ड्रॉप्स आर टू बी नॉन इरिटेंट, दे मस्ट बी, तो आई ड्रॉप्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स इफ दे आर टू बी नॉन इरिटेंट। आई ड्रॉप्स होने चाहिए फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स इफ आई ड्रॉप्स आर टू बी नॉन इरिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोजेनिक वाटर कॉजेस इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, माइक्रोबियल ग्रोथ, नन ऑफ दी अबव। क्या कॉज कराते हैं पायरोजेनिक वाटर, तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है पायरोजेनिक वाटर कॉजेस इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ए। एंड विच पार्ट ऑफ पायरोजेन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, तो ये होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन ए ड्रग इज एडेड टू ए पेरेंटल सॉल्यूशन इज, एडमिक्सचर, सॉल्यूशन, एडिटिव, जूस। रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन ए ड्रग इज एडेड टू ए पेरेंटल सॉल्यूशन, तो इसे बोलते हैं एडमिक्सचर, ऑप्शन ए। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पेरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी, कितना होता है यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पेरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज पैराफिन बेसेस इज यूज इन आई ऑइंटमेंट, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन से पैराफिन बेस का यूज करते हैं इन आई ऑइंटमेंट, तो आई ऑइंटमेंट में यूज करते हैं येलो सॉफ्ट पैराफिन का, ऑप्शन बी। एंड द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स होता है सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज 100 PPM, 1 PPM, 0.1 PPM, 10 PPM, तो ये होता है 10 PPM, 10 पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन डी। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द यूजुअल मैक्सिमम वॉल्यूम अलाउड एज ए पेरेंटल पैकेज फॉर बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
यूजुअल मैक्सिमम वॉल्यूम अलाउड एज ए पेरेंटल पैकेज फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, तो ये होता है 30 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन इज गिवन बाय फॉलोइंग रूट, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल। कैसे देते हैं इंसुलिन इंजेक्शन, तो ये होता है सबक्यूटेनियस। बाय इंट्रावेनस रूट दिए जाते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, इंट्रामस्कुलरली देते हैं ऑयली प्रिपरेशंस, ये इंट्रापेरिटोनियल होता है इनटू पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शन व्हीकल इज अपायरोजेनिक वाटर, सीसम ऑयल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, नन ऑफ दी अबव। इन टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शन कौन से व्हीकल का यूज करते हैं, तो ये होता है सीसम ऑयल, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।